मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथ हल सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 गणित हल सहित। यह रहा आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित नॉर्म श्रेणी पहला क्वेश्चन पेपर। दो पेपर है मित्रों। पहला है, मैं पढ़ूं, सही विकल्प को चुनकर सही चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है, चिन्ह लगा दिया हूँ। दूसरा समीकरण, इधर 3x - y = 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, ये होगा। मित्रों मेरे अभी 11 बज रहा है, मैं 10:30 बजे तक ही बनाता हूँ, पर हमने कहा था सो बना दिया, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, समय लग जाएगा, तो मैं ये टिक लगा दिया हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों सही है, बी और डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए का होगा आपका 3 नंबर और बी का 1 नंबर होगा। समाधान करो कोई भी पद्धति से, इसको हम देखते हैं। 4x - 3y = 16 और 6x + 5y = 62। 4 विधि हैं जिसमें से हम विलोपन विधि से बनाएंगे। चलिए देखते हैं विलोपन विधि द्वारा। आप देख रहे हैं 4x, ये समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ पर हमने 5y 3y को बराबर किया, तो 5 से इसमें गुणा कर दिया गया और 3 से इसमें, तो 5 से गुणा करें, 5 का 20, 5 15y और 16 5 80। अब यहाँ पर ये जो 3 है, 3y का 3 से इसमें गुणा कर दिया गया, 6 3 18, 5 15 और 62 में 3 करेंगे तो 186 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर जोड़ने पर, क्योंकि हम देख रहे हैं -15y है और +15y जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसलिए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर 38x आया, यहाँ पर 266 266 और 38 से भागा करिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, तो x = 7 हो गया। x = 1 समीकरण 1 में रखने पर 1, अब चाहे तो 1 2 3 4 कहीं भी रख सकते हैं, छोटा 1 इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है, तो x के बदले में हम 7 लिख देंगे, क्योंकि x = 1 समीकरण 1 में रखने पर 1 = 7 है, तो 4 × 7 अर्थात 28 हो गया, -3y और यहाँ पर 3y = 16 है। अब देखिए 7 × 28 हुआ, इसको इधर कर दिया गया, प्लस का माइनस हो गया, इसको इधर कर दिए, माइनस का प्लस, 28 से 16 जाएगा तो 12, 3 से 12 कट गया 4 बार में, तो अब y को इधर और 4 को इधर कर दिया गया, y = 4, तो x = 7 y = 4 पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा और चौथा स्थानांक वाले बिंदु को क्रम से मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। मित्रों समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं परस्पर समांतर व बराबर होती हैं तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। यहाँ हम विपरीत भुजाओं को बराबरी का जांच करेंगे। चारों बिंदु का क्रम 1 2 3 4 देख रहे हैं, ए बिंदु है 2, 0, बी सी डी होने पर समांतर चतुर्भुज होना चाहिए इस तरह से, तो अतः AB = DC, अगर AB = DC होगा और AD = BC होगा तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समान हो जाएगा। तो हम यही देखेंगे कि AB = DC है कि नहीं, तो AB का मान निकालेंगे, तो AB की लंबाई, ये सूत्र आप याद रखेंगे, 12 12 है, x - x1 - x2 और y - y1 - y2, x होता है, ये y होता है, तो a और b में है, तो इन दोनों में है, तो यहाँ पर हुआ 2, ये 2 यहाँ होगा और ये xy है, ये x होगा यहाँ पर, 2 - 5 मतलब -3 हो जाएगा और 0 यहाँ पर और ये यहाँ से, तो समझ में आया, ये y इधर, x इधर। अब इसी आधार पर हम पूरा का पूरा बिंदु को जांच करेंगे, AB फिर AD BC, पहले तो AB और
डी सी निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं, ए पी बराबर डी सी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मान रखने पर माइनस थ्री आ रहा है, ये तो जीरो से जीरो ही हो जाएगा, करेंगे तो तीन आ जाएगा, तीन आ गया। डी सी का देख लीजिए, डी सी का आपका देख रहे हैं मान बैठाने के बाद तीन आ गया, देखिए दोनों बराबर हो गया, ए ए बी और डी सी तीन तीन हो गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ए बी बराबर डी सी हो गया। अब ए डी बराबर बी सी, तो ए डी का मान निकालेंगे, ए डी का उसी तरह उसी सूत्र पर। अब ए डी का मान देख लीजिए, रख कर मान निकाल दिया गया है, रूट पाँच आया है, ए डी का हो गया। अब हम बी सी का देखेंगे, ये देखिए बी सी का मान रख दीजिए, रूट पाँच आया, तो ये भी देखिए अब रूट पाँच और तीन तीन हो गया ना बराबर, अतः क्या हुआ, अतः ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी हुआ, तो क्या हुआ, लेकिन अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो मित्रों आप चाहे तो यहीं से लिख कर बना सकते हैं, ना भी उतारेंगे इतना सारा तो भी चलेगा, फिलहाल जैसे भी चाहे आप बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, पहला पेपर शेष, दूसरा पेपर का एक नंबर सवाल है, एक्स बटा दो प्लस वाई बटा तीन बराबर एक समीकरण का लेखा चित्र, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आप देखिए करके दिखा दे रहा हूँ। ये पहला सवाल का है, देख रहे हैं एक्स का मान शून्य रखने पर, यहाँ पर इसको शून्य रखे तो ये हल करने पर अब ये शून्य शून्य हो जाएगा, तो वाई बटा तीन बराबर एक, तो तीन इधर चला गया तो वाई बराबर तीन हो गया, और वाई का मान शून्य रखने पर अब वाई का मान शून्य रख देंगे तो ये दस बटा जीरो हो गया, एक्स बटा दो बराबर एक, तो एक से दो से गुणा हो गया, एक्स बराबर दो। तो वह था समीकरण का लेखा चित्र, एक्स अक्ष का मूल बिंदु से दो इकाई दूरी होगा जबकि वाई अक्ष तीन इकाई की दूरी पर होगा, हो गया। आगे दो नंबर सवाल आप ये है, ये सवाल इसको देखते हैं, हम जानते हैं कि अगर ये सूत्र जो है आपका किताब में नहीं है, ए पावर एम बराबर ए पावर एन हो तो एम बराबर एन होगा, जहाँ पर ए का मान जीरो एक या माइनस वन के बराबर नहीं होता है, ये वास्तविक संख्या होता है, जहाँ ए का मान जीरो एक माइनस एक के बराबर नहीं होगा और ए तथा एन को परिमेय संख्या होगा। तो यही अब ये सवाल है, ऐसे दिया हुआ है तो क्या होगा, ए होगा वास्तविक संख्या जहाँ ये असमान शून्य एक या माइनस एक होगा और एक्स तथा वाई होगा परिमेय संख्या, ये उत्तर है। अब आगे आते हैं हम लोग तीन नंबर, अब एक सवाल है, बोला है लेखा चित्र में एक अक्ष वाई अक्ष पर एक एक बिंदु लिखे जिन दूरियां मूल बिंदु से समान हो, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा यहाँ मैंने तीन लिखा माइनस तीन, ये देखिए चाहे तो आप यहाँ पर दो लिख दें, इधर दो लिख दें प्लस, तो जहाँ भी आप समान दूरी हो दूरी पर कोई भी रख सकते हैं। आगे चार नंबर है, चार नंबर देखते हैं, थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर पाँच समीकरण में वाई को एक्स के रूप में परिवर्तित करके, मतलब वाई का मान निकाल कर, एक्स बराबर पाँच हो तो वाई का मान क्या हुआ, फिर वाई में बदल कर, मतलब कि वाई का मान निकाल कर, इससे वाई का मान निकाल कर एक्स का मान बैठाएंगे पाँच, उसके बाद वाई का मान निकल जाएगा, मतलब क्या है, इस समीकरण को एक्स के रूप में वाई को एक्स के रूप में परिवर्तित करके, मतलब यहाँ पर वाई बराबर कितना होगा निकाल कर, ठीक है, उसके बाद मान बैठाएंगे। देखिए ये है ना, इसको वाई के रूप में बदल दिया, क्या क्या गया है, यहाँ है सीधा पहले वाई लिख दिया गया, वाई बदलना है वाई लिख दिया गया है, अब एक एक कर दीजिए, ये थ्री एक्स है, जब इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तब फाइव माइनस थ्री एक्स, अच्छा माइनस टू को अब उधर ले जाना है, इधर गुना तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, गुना जब जाता है तो भाग हो जाता है, भाग जाता है तो गुना हो जाता है, जोड़ जाता है तो घटा हो जाता है, घटा हो जाता है तो जोड़ हो जाता है, ये पक्षांतर का नियम है। तो यहाँ पर माइनस टू नीचे आ गया, अब यहाँ पर क्या करना है, वाई के रूप में बदल लिए हैं, अब मान बैठाएंगे, तो एक्स का मान पाँच है बैठा दिए, कितना हो गया, पाँच नहीं पंद्रह, पंद्रह माइनस दस, माइनस पंद्रह हो गया, पाँच दे पंद्रह माइनस पंद्रह, अब प्लस पाँच, ज़्यादा कौन है, माइनस पंद्रह ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो माइनस दस ज़्यादा है, माइनस दो नीचे था,
अब इसे काट दिए, 5 बार में 2 × 5 = 10 हो गया। आगे है देख लीजिए, 1+7 और 2+7 के बीच एक परिमेय संख्या ये होगा, पूछा है, लिख दिया गया है कि दो ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिनके बीच एक परिमेय संख्या हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 6 नंबर, कारण बताते हुए सिद्ध करें कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के ये परिमेय है, परिमेय 14। ये लम मैं किताब से ही देख के लिख दिया हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ये आपका परिमेय, कारण बताते हुए सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज, ये आपका एक एक करके समांतर चतुर्भुज बना दिया गया, देखिए लिखा हुआ है, हो जाएगा आसान है। चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि इतना लिखने के बाद प्रमाणित करना है कि पहले प्रदत्त प्रमाणित करना है कि 1 नंबर क्या प्रमाणित करना है, विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो विपरीत भुजा ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। अच्छा ये जैसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ लिख दिया गया है, ये एक मैं प्रमाण सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, यही असली, फिर उसके बाद बैठा दिया गया। इसमें क्या हुआ है, 2 त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए लिख कर उसमें सर्वांगसम एस 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 ए एस ए ए ये 3 सूत्र से करेंगे हम। तो पहला देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। देखिए एकांतर कोण दोनों का बराबर होगा, ये एकांतर कोण बराबर ये, तो एक त्रिभुज का ये 2 कोण मिल गया, फिर इस त्रिभुज इस त्रिभुज में ये एकांतर कोण बराबर ये 2 मिल गया, और ऐसी उभयनिष दोनों में बस सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम है तो सब हो जाएगा, बस इतना ही। इसके साथ ही पूरा हुआ क्लास 9 का। छात्र छात्राएं घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।